चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही देश भर की 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तक का ऐलान किया है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनावी तारीख की घोषणा नहीं की है, जिसके बाद जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में होने की वजह से वहां अभी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबर के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जिस जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने RTI लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है, हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है। तो मिल्कीपुर में उपचुनाव का कल चुनाव आयोग ने ऐलान क्यों नहीं किया, आइए इसे आपको समझाते हैं। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद गोरखनाथ बाबा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने की वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर सकती है। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं होने पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में निशाना साधा है और सोशल मीडिया और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानती है कि वो मिल्कीपुर सीट हार रही है, इसलिए ये सब करवा रही है, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि वो सभी सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे, चुनाव हार नहीं तो कल होगा ही और समाजवादी पार्टी जीतेगी। भाई समाजवादी तो कहेगी हम जीतेंगे, लेकिन इस बात का निर्णय पहले तो नहीं हो सकता, इस बात का निर्णय तो जनता करेगी, और निश्चित रूप से 10 की 10 सीटें NDA ही जीतेगा, पूरी तैयारी है। और उधर विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि संभावित हार को देखते हुए बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव टालना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर पहले से निस्तारण लग कर लेना चाहिए था, और निश्चित तौर से इस पर इनका भी यहाँ का भी चुनाव कराना चाहिए था, क्योंकि चुनाव की डेट तो साथ ही साथ आई, और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये कहीं ना कहीं ये चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, और चुनाव हारने के कारण से काफ़ी घबराहट है, इस नाते इन्होंने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कराने का पूरा प्रयास किया है। मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होना था उसको चुनाव आयोग ने टाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट मालूम है कि अयोध्या लोकसभा सीट की मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी, इसलिए कोर्ट में केस करके और चुनाव आयोग से चुनाव स्थगित करवाने का काम किया है। अगर मिल्कीपुर में चुनाव होता तो सबसे प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीतती।